They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on my... नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल Cheers Shopping पर। आज हम लोग लेकर आए हैं कैंपस के स्पोर्ट्स सैंडल्स टॉप 4, टॉप 5 इसलिए नहीं क्योंकि जो चौथे नंबर का आर्टिकल है वो लगभग टॉप 10 से लेकर टॉप 5 तक को कवर कर जाता है, इसलिए मैं उस पर आप और अपना समय नहीं बर्बाद किया ताकि आपको जेन्युइन चीज मिले। एक चीज और, हम लोग जो फीडबैक देते हैं या जो हम लोग भी रिव्यू देते हैं आपको एज अ कस्टमर, आपके लिए काफी जेन्युइन होता है क्योंकि हम लोग रिटेलर हैं, साथ में होलसेल का भी काम होता है। तो जो भी हम लोग फीडबैक आपके साथ शेयर करेंगे वो हम लोग के साथ फीडबैक आया हुआ रहता है थ्रू कस्टमर्स, चाहे वो कस्टमर हम लोग के रिटेल के हों, चाहे वो कस्टमर्स हम लोग के ऑनलाइन के हों, सब जगह से फीडबैक मिलता है। कौन सा आर्टिकल कितना सेल हो रहा है, किसकी ज्यादा डिमांड है, उस पर हम लोग सारा निचोड़ के सारा फीडबैक आपको प्रेजेंट करते हैं। बहुत से यूट्यूब पर आप वीडियो देखते होंगे जिसमें कुछ यूट्यूबर्स होंगे जो आपको अपने आप को बहुत फुटवेयर कैटिंग बताते होंगे, मैं उन पर डायरेक्ट कमेंट नहीं करना चाहता मैं ये, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आप वीडियो बनाने के लिए Amazon या Flipkart जैसी साइट्स पे जो उनके टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं उसको उठा के ला के आप प्रेजेंट कर दे रहे हो कस्टमर के सामने कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन आपको जेन्युइनली आपको वो नहीं पता कि वो प्रोडक्ट वाकई में एट द प्रेजेंट टाइम वो हिट है कि नहीं। बहुत से आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन साइट्स पर नंबर एक पे ट्रेंड करता है, लेकिन डिटेल्स पे या जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो ऑलरेडी एक दो साल पुराना हो चुका होता है। तो ऐसे यूट्यूबरों से थोड़ा बच के रहना चाहिए ताकि आपको जो भी फीडबैक या जो भी रिव्यू मिले वो जेन्युइन मिले। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं टॉप 4 स्पोर्ट्स सैंडल्स ऑफ कैंपस। तो आज जो चौथे नंबर पे है वो आर्टिकल है 2GC904, 749 रुपए का है, ग्रे और रेड कलर का। ये देखिए, आइए सबसे पहले बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा इनका बॉक्स आता था। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात कर लेता हूँ कैंपस के स्पोर्ट्स सैंडल्स की बात कर लेते हैं। कैंपस का जब जूता बहुत ज्यादा हिट हुआ तो इन्होंने सैंडल्स पे भी स्लीपर्स और सैंडल्स, स्लीपर्स तभी आए, सैंडल्स पे कदम रखा, लेकिन वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। 2 साल के बाद माल पड़ा रहा, एज अ रिटेलर हम लोग ने उस माल को डंप किया, लेकिन जब ये कोरोना के बाद री एंट्री किए इस बॉक्स के साथ, ये बॉक्स की कहानी है कि ये गो क्रेजी करके है अलग अलग स्टाइल्स में, मतलब लेटेस्ट डिजाइन के साथ आए, तब जाके ये इस समय इतना ज्यादा हिट हो गए हैं कि इस बार जैसे ब्रांड को भी डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स मैंने बता दिया, देखिए गो क्रेजी लिखा है चारों तरफ से, बॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी है, ऑनलाइन में एक बार में हवा निकल जाती है, बट डिटेल से आप लेंगे तो एज इट इज ऐसे बॉक्स मिलेगा आपको, साथ में आपको कैरी बैग मिलेगा, ये पेपर आते हैं। सबसे पहले आप इसका लुक देख लीजिए, ये लुक आप देखिए, जैसे मैंने शुरू में बोला टॉप 5 या टॉप 10 लेके क्यों नहीं आया, इसी वजह से क्योंकि जो भी आर्टिकल होते हैं लगभग लमसम इसी प्रकार से हैं और कुछ ट्यूब है तो बार बार वही आर्टिकल रिपीट हो रहा था, इसी वजह से मैंने टॉप 4 लेकर आया। टॉप 3 ही लाने का मन था लेकिन टॉप 4 लेकर आया क्योंकि इसको कवर कर लेंगे इस आर्टिकल को, तो इससे आपके कई आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे क्योंकि सोल अपर सब डिफरेंट, मतलब आगे वाले में डिफरेंट है बट इससे पहले वाले में आर्टिकल्स में नहीं डिफरेंट था। चलिए इसके सोल के बारे में बात कर लेते हैं। जो सोल है वो है TPR और ईवा का मिक्स, यानी आप इसको फाइलोन कह सकते हैं। अपर मटेरियल आप देखेंगे बहुत ही उमदा क्वालिटी का है, आप इसको स्पंज करेंगे तो देखिए काफी वेट, अगर आपका 100 किलो तक है तो ये झेल जाएगा और तुरंत ही अपनी स्थिति पर आ जाएगा, मतलब कंफर्ट काफी अच्छा मिलेगा। ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं, ब्रांडिंग आपका देखिए कैंपस यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे है, पीछे लोगो बना है, अगर लोकल और कैंपस में आपको डिफरेंस करना होगा तो ये ब्रांडिंग जरूर देखी जाती है। इनका वेलक्रो देखिए, वेलक्रो भी काफी अच्छा दिया गया और वेलक्रो के नीचे कैंपस का लोगो रहता है, आप उसमें देखिए चाहे इसमें भी देखिए, ये देखिए सब जगह आपको वेलक्रो में इनका लोगो मिल जाएगा। इससे पहले भी मैंने एब्रॉन और स्पार्क्स के लेटेस्ट जो आर्टिकल आए उस पर भी वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको जरूर देखिए, और उस वीडियो का चर्चा हमें इसलिए करा था क्योंकि आप वीडियो जैसे देखेंगे
तो उस आर्टिकल्स में जो 700 तक के रेंज थे उसमें ये स्टील नहीं दिया गया था, लेकिन कैंपस ने दिया है, इसी वजह से ये हिट हो रहे हैं। इसमें दिया गया है तो इसकी क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई, फाइबर हो सकता है थोड़े दिन बाद टूट जाए लेकिन स्टील आपका चलता रहेगा। नीचे से कुशनिंग बहुत कम दिया गया, उतना सॉफ्ट नहीं है नीचे से कुशनिंग। अपर मटेरियल मेस वगैरह यूज किया गया है, ग्रे कलर का है, इसी का रेड और ब्लैक का ब्लैक कलर आता है, वो अलग ही बिल्कुल लुक देगा। तो ये था नंबर 4 पे। तो चलिए वेट कर लेते हैं, वेट इसका देखते हैं हम लोग कितना है। वेट है 240 ग्राम, अगर आप दोनों का वेट कर लेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा 480 ग्राम के लगभग। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे ये वाला आर्टिकल है GC10 ब्लैक रेड कलर का, 1049 रुपए का। अनबॉक्स करते हैं इसको भी, कैरी बैग इसमें भी है उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको कैरी बैग फ्री में मिलता है। तो सबसे पहले इसका लुक आप देखे होंगे, चलिए इसका वेट कर लेते हैं। वेट है 214 ग्राम, इससे थोड़ा लाइट वेट है। सोल के बारे में बात कर लेते हैं, सोल इसका थोड़ा अलग दिया गया है और इसी वजह से ये काफी मतलब हिट करने के लिए जो कैंपस को ट्रिगर मिला वो यहीं से मिला। इसकी एम आर पी जैसे मैंने बताया 1049 की है, 20% डिस्काउंट लमसम आपको समय मिल जाएगा। तो 1000 के प्राइस में, 1000 के प्राइस में स्पार्क्स वगैरह ऐसा सैंडल्स नहीं दे रहे थे जिसके वजह से ये हिट हो गया और थोड़ा ये लेटेस्ट आ गया। जनरली क्या होता था, नॉर्मल सोल आते थे जैसे इन सब पे है, लेकिन इसका सोल डिफरेंट किया, यहाँ बबल्स वगैरह लगा जैसे जूतों में सोल आते थे तो ये हिट हो गए। सोल के बारे में बात करते हैं, ईवा और टीपीआर का मिक्स यानी फाइलोन सोल पे दिया गया है, थोड़ा कम टीपीआर यूज किया गया है, ये थोड़ा ड्रॉबैक है। इसके नीचे की इनसोल के बारे में बात कर लें, इनसोल भी काफी अच्छा दिया गया है। इनसोल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पैर के नीचे रहेगा और काफी स्पंज हो रहा है, काफी अच्छा इसमें सॉफ्टनेस मिलेगा आपको। अपर की बात कर लें, अपर में देखिए पूरा मेस यूज किया गया है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा लेदर लुक में लग रहा है। ब्रांडिंग ये दिया गया है, सोल पे दिया गया है और जितना वेलक्रो आप देख रहे होंगे वेलक्रो में भी आपके दिया गया है, यहाँ पे भी लिखा है स्टील का इसमें ये लगाया गया है जहां से टाइट किया गया है। तो ये नंबर तीसरे पे था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर दूसरे आर्टिकल तक। अगर आपने अभी तक मुझे झेला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा है लेकिन तो भी जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं हम लोग बहुत ही अच्छे कंटेंट, टॉप 10 स्पोर्ट शूज डिफरेंट ब्रांड्स पे, टॉप 10 कैंपस का, टॉप 10 एब्रॉस जेकवार, टॉप 5 सैंडल्स पे, सिर्फ कैंपस पे जैसे है उसकी तरह मल्टीपल ब्रांड्स पे, रेड चीप के ओरिजिनल और फेक पे कैसे उसको चेक किया जाए उसके बारे में, मतलब कंटेंट बहुत सारा रेडी है। अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो नंबर दूसरे पे ये वाला आर्टिकल है GC2209 1119 रुपए का। जीएसटी का थोड़ा रेट चेंज हुआ जिसकी वजह से 1049 वाली जितनी भी सैंडल्स या प्रोडक्ट थे वो 1119 हो गया। इसमें भी आपको कैरी बैग मिलेगा ब्लू कलर वाला जो कि आज लेटेस्ट चल रहा है। सबसे पहले इसका लुक देख लीजिए आप, वेट लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ये देखिए लुक वाइज दो सौ 7 ग्राम का है, उससे थोड़ा सा वेट कम है। अब कहां से वेट कम हो गया मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि लगभग क्वालिटी सेम है। जैसे आप सोल के बारे में देख रहे हैं हम लोग तो सोल ईवा और टीपीआर का मिक्स है, फाइनल सोल पे दिया गया है, यहाँ पे बबल्स लगाया गया है जो स्पंजिंग उस पे थी लगभग सेम इसमें भी है, बस एक दो फाइबर इसमें लगा था। यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए फाइबर, प्लेन फाइबर पूरा यूज किया गया था, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं थी। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर पैटर्न दिया गया है, डॉटेड लगा दिया गया, थोड़ा 3D लुक में आ रहा है, फोटो वगैरह अगर कोई लेता है तो ये 3D स्टाइल में थोड़ा दिखेगा जिसकी वजह से लुक ये डिफरेंट हो रहा है। लुक वाइज तो नंबर 1 तो होना चाहिए बट क्वालिटी भी, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इसको नंबर 2 पे रख रहे हैं हम लोग।
सब कुछ बता चुके हैं इसमें ही, इस वाले आर्टिकल्स में, तो इसमें ज्यादा नहीं आपका समय लेते, इसको हटाते हैं। नंबर ये दूसरे पे था, एक पे ये वाला आर्टिकल है GC04। सबसे पहले आप इसका लुक देखिए, ये नंबर एक पे पूछेंगे तो मैंने लाया, क्योंकि अगर इसकी प्राइसिंग देखेंगे, सबसे पहले इसकी प्राइसिंग 849 रुपए में है, इसकी प्राइसिंग 1119 में थी। प्राइसिंग मैटर नहीं करता ऊपर नीचे, लेकिन क्वालिटी मैटर करता है। इसकी सबसे पहले सोल की कटिंग देखिए, सोल की कटिंग देखिए बिल्कुल जिगजैग स्टाइल में है, पायलोन नहीं है, ईवाई है, लेकिन काफी हैवी है, जिसके वजह से ये ग्रिपिंग आपको बारिश में बहुत ही अच्छा बना के देगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर एक पे लिया। अपर क्वालिटी भी जेन्युइन लेदर टाइप का लग रहा है। इसका वेट कर लेते हैं, वेट है 227 ग्राम का, वेट तो लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। इसके सोल के मैंने जैसे बताया ईवा सोल है, ग्रिपिंग इसकी काफी अच्छी दी गई है, तो ग्रिपिंग बहुत आपको मिलेगा। इसका ये जो इनसोल है, जिसको मैं इनसोल बोल रहा हूँ, काफी हैवी, अगर 100 किलो तक का वेट है, 70-80-90-100 किलो का भी वेट है, तो आराम से आप इस पे 10-12 घंटे पहन के रहिए, आपके पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं होने वाला है। अपर मटेरियल देखिए, रॉ लेदर यूज किया गया, रेक्सिन नहीं यूज किया गया, रॉ लेदर, ये देखिए, तो जिसके वजह से इसकी लाइफ ज्यादा है। और लुक वाइज ब्लैक और फ्लैट सोल पे दिया गया है, दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर एक पे लिया है। तो मैं आपको एक बार समझ दे देता हूँ, 749 रुपए में इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। उसके बाद 1049 में, 1049 और 1119 सिर्फ GST की वजह से हो गया, लगभग दोनों का दाम सेम है। ये 849 में नंबर एक पे है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, और जो भी कमेंट होगा आपको कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर दीजिएगा, तो उसका मैं रिप्लाई देने की आपको कोशिश करूंगा। धन्यवाद।